अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। अच्छा, सबसे पहले डेट आज की ये, ठीक है, 9 जनवरी है, ठीक है, 2024। अच्छा, कल की कुछ बात कर लेंगे। कल मैंने ग्रुप में क्या करवाया, एक पहला सिग्नल जो हमने दिया था बाइंग वीडियो बनाने से पहले, आप लोगों को पता है ये प्रॉफिट में भी आया था तकरीबन 20-25 पिप, ठीक है। उसके बाद अब एसएल एंट्री किया, ठीक है, अदरवाइज़ मैंने ये क्लोज भी करवा दिया था। ये फिर मैंने वीडियो बनाई, वे मैं साथ देखे ना, वॉइस वगैरह सारा कुछ करता रहता हूँ, गाइड पूरा करता है। अल्लाह खैर करे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज बताता रहता हूँ साथ। ये देखे ना, फिर मैंने ऑयल का भी कुछ बताया, ऊपर मैंने वॉइस में कहा था क्लोजिंग कर लें, ठीक है ना। खैर, मार्केट क्योंकि डाउन चली गई, उम्मीद भी थी कि ये 2020 तक जाएगी, ठीक है। फिर मैंने 2018 और 2014 से सेल बाइक का सिग्नल दिया है रात कल, ठीक। मार्केट 18,600 तक, 14 पर भी गई, लेकिन वो पहले चली गई सिग्नल, बाद में गई, लेकिन बाद में मार्केट 2018 के आसपास घूमती रही और मार्केट एट द एंड TP1 इसने हिट किया हमारा 28 पिप का, 2028 ये तकरीबन 90 पिप ये बन गई 19-1 करते, और मार्केट 36 तक गई है, दूसरा TP भी ऑलमोस्ट हिट होते होते बचे हैं, ठीक है। आप लोग जो चेक करते तकरीबन इस सिग्नल ने मैं कितने पिप दे दिए, अगर आप 20 से भी बाइंग करते तो 36 तक 160 पिप ये एक सिग्नल ने दिए। दूसरा सेलिंग जो करवाई थी मैंने ऊपर से बाइंग, वो मैंने क्लोज़ भी करवा दी थी, और आप लोगों को बताया था क्लियर कि यार एंट्री के ऊपर इसको क्लोज़ कर लेना, ठीक है। फिर मैंने ये चार्ट भी शेयर किया, ये 2014 वाला, ठीक है। 18 और 14 से क्यों बाइंग करवाई थी, ये वजह मैंने बताई थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकती है, अदर अगर ना जाती 14 ब्रेक हो जाता तो फिर आप लोगों को 1971-73 का एरिया मिल जाता देखने के लिए, ठीक है। ये साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। ये देखें, कल लोगों ने बाइंग किया, भी एक बंदे ने ये बाइंग किया, देखें कितना प्रॉफिट, 100+ प्रॉफिट, 0.11 का लोड साइज। एक ब्रदर ने 0.01 का लोड लगाया और इसने TP तक गया, 1929 TP, इसको मैंने बताया था 2029, ठीक है ना। और इसकी बाइंग थी 17 से 12, 120 पिप इससे ने भी हासिल किए। ये फिर एक वीडियो बनाई, ये जो वीडियो का लिंक आप लोगों को ये देख रहे हैं ना, ये है जो मैंने पिछले वीक प्रॉफिट दिया कितने सिग्नल, उसका रिजल्ट है 620 पिप, ठीक है। तो ये कल की सिचुएशन थी, आज भी इंशाल्लाह कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं मार्केट के ऊपर, टेक्निकली देखते हैं। फंडामेंटल अगर न्यूज़ की बात की जाए ना, न्यूज़ की तो आज कोई डाटा नहीं है, ठीक है, खास, लेकिन गोल्ड फिर भी मूवमेंट दे जाता है, तो टेक्निकली चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कुछ ना कुछ ट्रेड। जी तो इस टेक्निकली में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो USD के, ओपन किया चार्ट H1 का, मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, और आप लोगों को ना दो चीज़ें बताने लगा यहीं से। एक ये वाला मार्क कर लें एरिया, ये देखने इसके, ये जो कैंडल की टॉप है यहाँ पे आएगा, और एक इसकी लो वाले मार्क कर लें यहाँ पे, यहाँ से सेल कीजिएगा, यहाँ से बाय कीजिएगा बस, ठीक है, SLTP के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो नेक्स्ट GBP USD का चार्ट किया मैंने ओपन, इसको ना अभी से अगर इसका Day 1 में देख लूँ, क्योंकि Day 1 भी ज़रूरी होता है देखना, यहाँ से सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट दे सकता है। ये अगर ये टॉप एरिया ना, ये वाला सारा ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेल करें तो फिर ऊपर अपना लगा लीजिएगा SL और TP नीचे, ठीक है की बात। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो नेक्स्ट USD JPY का चार्ट मैंने कर रहा हूँ ओपन, आप लोगों को तो मैं कहता रहा तुम सेल करें 145 पॉइंट, ये मैंने इस लेवल से सेलिंग करवाया था। आज भी अगर 145.800-900 दोबारा मिल जाता है ये वाला हाई, ये वाला, तो आप लोग यहीं से सेल एंट्री कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जी तो इसके बाद हमारा मशहूर ज़माना पेर आ गया गोल्ड, गोल्ड इस टाइम चल रहा है 2035 के ऊपर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर 2032 के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट फिर मज़ीद इसका बाइंग चांस है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद होगी, कल ग्रुप्स में बताता रहूँ। एक मिनट डेली चार्ट देख लें, पहले डेली में बाइंग है, अब चलते हैं H4 के ऊपर। H4 में भी देख लें बाइंग बनी हुई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है, वापसी भी आ सकती है, क्योंकि बिल्कुल मूविंग एवरेज की करीब करीब है। लेकिन H1 पे चलते हैं। अच्छा, H1 की बात की जाए तो यहीं से अगर कुछ देखें, H1 में चीज़ बदल जाती है, ये देखें, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है कैंडल्स। अब इसका मतलब है कि फिर एक यहाँ पे 2055 और 57 की तरफ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम 2049-50 से सेल करेंगे गोल्ड को, एक लेवल ये है, और बाइंग के लिए दोबारा 1920 और सेलिंग के लिए 1955-52-1965 सेलिंग करना, 2020 से बाइंग करना। और अभी के लिए सेल अगर कोई करे तो अपना SL 2039, ठीक है, 2036 से कोई सेल करे, 2036 से कोई सेल करता है तो 2039 स्टॉप लॉस, OTP 2026, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो सबसे डॉलर इंडेक्स DXY को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स डाउन, वैसे तो बाय भी है, सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है इस टाइम। इसके अंदर डेली चार्ट ओपन किया डॉलर इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स देखें यहाँ पे रुक गया है, तो क्योंकि इसी वीक सीपीआई भी है डाटा है, तो ये डाउन मजीद मूव कर सकता है। जैसे अगर ये डाउन आएगा तो गोल्ड ऊपर, डाउन काफ़ी चांसेस हैं डाउन आने के भी, क्योंकि वार की सिचुएशन है चल रही है अभी तक कंटिन्यू है, जिसकी वजह से ये नीचे मूव कर सकता है और गोल्ड आपका ऊपर भी दे जाने को मिल सकता है। लेकिन हमने सेल फोकस करना है डॉलर का। फिर मैं मुझे जिस जहाँ पे आके रुक गया ना, जब तक इसी एरिया से ऊपर है ना ये ब्लू लाइन, ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई हुई है ये वाली, जब तक इससे नीचे नहीं जाता तब तक इसका ये चांसेस हैं 104 ब्रेक होगा तो फिर 107 105 ठीक है यहाँ तक जाने के चांस, 106 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन होप के यहाँ से ये बाय ही उठेगा, अदर नहीं अदरवाइज सेलिंग के लिए ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे आ जाए तो फिर ये सेलिंग हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो DXY के बाद US ऑयल की बात कर लेंगे। US ऑयल कल मैंने डायरेक्ट सेल करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसी लेवल से कल यहाँ पे मार्केट थी, ये लेवल यहाँ पे ये मार्केट मैंने ये कहा था इसी यहाँ से सेल पकड़ लें, यहाँ से ये था 73 पॉइंट समथिंग था, 73 थे, अब देख लें 70 के ऊपर आया, ये 73 से लेके 70 तक तो कितने यार 200+ पीप और आप लोगों को क्या चाहिए होता है, 73 से 70 यार 300-250+ पीप बनते हैं ये एक ही सिंगल ट्रेड से। अब यहाँ से इसको बाइंग पकड़ें स्कैल्पिंग बाइंग, इसके नीचे ऐसा लगा 70-80 पिप का स्टॉप लॉस बन जाएगा टीपी ये वाला, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो लास्ट पेयर हमारा बिटकॉइन को देख लेते हैं। लो बिटकॉइन का आज हमारा टारगेट फुल बटा फिल हो गया, ये देखें 46 के ऊपर मैंने लगाया हुआ था निशान, किसकी कॉल आ गई, अच्छा चलो कट गई। अच्छा ये देखें ये मैं डेली चार्ट इसको ओपन करता हूँ, मेरा टारगेट था 46, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। मार्केट 43-44 पे थी तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे इंशाल्लाह 46 मेरा पहला टारगेट होगा, फिर 52 फिर 58-56 इस तरह ना। वो वीडियो मैं बना नहीं सका लॉन्ग टर्म एनालिसिस वाली, वो चार मैंने थंबनेल बनाया हुआ था सारा कुछ, लेकिन आज उसका पहला टारगेट हिट हो चुका है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा आज वीडियो भी बनाऊँ। तो नेक्स्ट ये अब इसके बाइंग ही ट्रेंड है और बाइंग इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसकी फुल वीडियो बना के आप लोगों को आज लाजमी शेयर कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यू पर्सन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट किया करें और पर्सनल पूछा भी करें और व्हाट्सअप भी ज्वाइन करें। अपना बहुत ख्याल रखें।